हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आँख में इन्फेक्शन हो जाए या फिर आँख में चोट लग जाए या फिर आँख सूज जाए या फिर आँख में कोई कीड़ा काट ले, कुछ भी हो जाए, कोई भी आई इंजरी हो जाती है या आँख में आँख के आसपास कोई केमिकल लग जाए, कोई भी आई इंजरी हो जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो है हम इस पर बात कर लेते हैं कि जैसे आँख में कोई इंजरी हो गई है उसके बाद जलन होने लगती है आँखों में, तो उस जलन को रोकने के लिए आपको आँखों का पीएच मेंटेन करना पड़ेगा। आँख का पीएच मेंटेन करने के लिए उसको बोरिक एसिड से धो लीजिए। बोरिक एसिड मतलब बहुत थोड़ा, मतलब 1%, 100% वाटर में 1% बोरिक एसिड, बस इतना आप बोरिक एसिड उसमें घोल के उससे अच्छे से आंखें धो के, आप धोने के बाद ये गल्ला लगा सकते हैं, इसको हम गल्ला कहते हैं। इसका रियल में नाम है क्लोरम फिनिकॉल आई ऑइंटमेंट। मतलब अगर आपको कहीं अंग्रेजी दवा खाने में चले गए, कोई अंग्रेज दवा बेच रहा है तो वो गल्ला नहीं समझ जाएगा। तो क्लोरम फिनिकॉल आई ऑइंटमेंट, और ये आता है 18 रुपये का। 18 रुपये का मतलब ये 1-2 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। तो और उसके साथ ही में आप कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एंटीबायोटिक जैसे पॉलीमैक्सीन, ये कंपोनेंट हैं बेसिकली। आप किसी भी मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाएंगे और ये कंपोनेंट बोलेंगे पॉलीमैक्सीन एंड ट्रीमेथ्रोपिज़म, तो वो आपको आराम से एंटीबायोटिक दे देगा। तो ये हैं कुछ तरीके अपनी आप आई को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे। और इस चैनल पर हम हर तरह के वीडियो डालते हैं, जो भी आपको पसंद आए उस पर लाइक करिए, जो भी आपको पसंद आते हैं उस पर कमेंट करिए कि इस तरह के वीडियो आपको और चाहिए, तो हम इस तरह के वीडियो और आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी टॉपिक आपको पसंद आए, वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा है, अगर कभी चलता है इन फ्यूचर, तो जो भी टॉपिक आप बोलेंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सी या, हैव अ गुड डे, बाय।